नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुरवाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर में दिन भर विभिन्न कार्यक्रम हुए। पत्रकार रजनी साहू, अभिकल्प राय, राजकुमार पंथी, मजाज मोहम्मद, अंकेश शप्रे द्वारा स्थानीय उत्सव मैरिज गार्डन में पत्रकारों का महिलाओं को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा ऐसी महिलाओं का सम्मान किया गया जो महिलाएं अपने कार्य योगदान, समाज सेवा, अपने हौसलों से क्षेत्र में समाचारों में अपना स्थान पाती। मैं जब वो मैंने देखा तब मुझे मतलब मैं सरकार खुद महसूस करती हूँ कि हम इतनी अपाहिज हो गए थे कि मतलब हम किसी के छोड़ देंगे। मतलब उस बच्चे का ड्रीम था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप सोचे एक बहुत बड़ा सपना लेके मरना, इतनी शौक लेके कैसे मरा जाता है। मैं इसकी जड़ से, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो समाज से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ सब्जेक्ट। फिर और मैं रिसर्चर भी हूँ, तो जब मैं रिसर्च के तहत में पहुँचती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे परिवेश में हम ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी अच्छे की जाए और कोशिश करना कि चार बातें सिलेक्ट करके चलो, लड़ाई झगड़ा ना हो। और तो चार बातें कब गाली गलौज से मारपीट में बदल जाती हैं हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो चार बातें कब की सहन करते हुए आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी करें और किसी की बच्ची यदि धोखे से वापस आ गए घर से, एक दो महीने रह लिया तो आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि उनकी बच्ची वापस आ गई, कोई अच्छे से नहीं रह पा रही, उठा नहीं पा रही। चार आदमी आके कह देंगे, यहाँ तक कि आपकी माँ और आपके पिता को कह देंगे कि तुम बहुत तेज हो गया है, इसलिए नहीं चला पा रही हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी बच्चियों को इतना सशक्त खुद में करें कि उनसे कहें कि आप यहाँ रहें या कहीं भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरवाई से खबर समाज जगत के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।